नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद की नई सब्जी मंडी में भागीरथी जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की, तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, सांसद सुनीता दुग्गल और राजीव जैन भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। सीएम मनोहर लाल ने ओड समाज की मेहनत और भगवान भागीरथ को किया नमन। सीएम के ओर से समाज की धर्मशालाओं के लिए 45 लाख रुपए की ग्रांट जारी की गई। फतेहाबाद, टोहाना, हिसार आदि की धर्मशालाओं के लिए यह राशि दी गई। अन्य भी कई प्रकार की घोषणाओं के लिए सीएम ने हामी भरी। गैस सिलेंडर की सेवा नहीं मिलने के कारण महिलाओं को सीएम ने अपील की, प्रशासन अगर सिलेंडर नहीं देता है तो नेताओं के घर से और अधिकारियों के घर से उठा कर ले आए सिलेंडर, फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराले ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षियों के दल के हजार टुकड़े हो गए। एक परिवार का तो दल पूरी तरह से खत्म हो गया, अब उसमें कोई नहीं बचा। ज़्यादातर लोग सीएम मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से प्रभावित होकर के बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जो बचे हैं उनके द्वारा भी अपनी पार्टियों को अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि एक दल के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो अपनी पार्टी को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है और उसके बाद वे अपना नया दल बनाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। Yeah.
विजन करने का स्वभाव नहीं होता, तो ये जो सारे आग आज जो पानी के प्रवाह होने के लिए इतने भी स्रोत है शायद ये नहीं बन पाता। जल ही जीवन है, इस जल को एकत्र करना, इसको भाव देना, जमीन में से जल को निकालने के लिए सिस्टम बनाना, ये समाज इस्तेमाल करता है। इसके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव न केवल इसके प्रति बल्कि समाज में काम करने वाले, काम करने वाले हाथ से देना।
इसे चौक पर